देखेंगे जी जी नॉर्मली जी जी इस तरह से इंसान को नेचुरोपैथी में हम पेट पे लगा देते हैं और इस तरह से जब पट्टी लग जाती है पेट पे जी जी और इसको लगभग आधे से एक घंटा रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और आज की इस वीडियो में भाइयों बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर शुगर का पेशेंट नहीं है, चाहे वो गांव हो शहर हो। ये एक डायबिटीज एक महामारी की तरह फैल रही है और अब दिक्कत आती है हमको। डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया, तो लोग बाग इंसुलिन लेते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, उसमें जो उनकी आय है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और वो सही होने की जगह और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर तरुण जी से और आपको बताएंगे नेचुरल तरीके से आप डायबिटीज कैसे सही कर सकते हैं। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सभी को नमस्कार। देखो डायबिटीज आज घर घर की कहानी हो गई है। जी बिल्कुल। इंसान की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, और एक बार जब ये रोग आ जाता है ना उसके बाद में क्या होता है कि उसको सलाह तो देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन रियल बात ये होती है कि खाने पीने में इंसान को ये लगता है कि मैं मीठा बंद कर दूं। केवल मीठा बंद करने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं आती कभी भी। सही बात है। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक लोड जो है ना, ग्लूटेन वाला अनाज हम खाते रहते हैं और हमें पता नहीं होता बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा पहले से है और बनता रहता है। वो और जब बनता है तो क्या होता है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो पाती और उसको पता भी नहीं रहता कि मैं क्या करूं और नेचुरल रूप से क्या किया जाए। जिससे खाने पीने से 80% तो हम खाने पीने से ही हो गए, बाकी 20-30% थेरेपी का रोल होता है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि बंद तो सब कुछ कर दें लेकिन इंसान खाए तो क्या खाए, ये भी तो है ना, ये भी एक बड़ी वो वैसे मर जाएगा, वैसे मर जाएगा भूखा। अब भूखा रहा भी नहीं जाता डायबिटीज वालों को, कई बार 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 भी खाना पड़ता है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे एक परंपरागत सिरी धान्य अनाज था पहाड़ों से, हम स्पेशली एक अनाज यूज लेते हैं। हमारे पास डायबिटीज का कोई पेशेंट आता है तो उसको इसका दलिया वगैरह हम बना के खिलाते हैं जी। तो ये 5 प्रकार का अनाज है जिसमें कोदो है, छोटी कुटकी है, कंगनी है, ठीक है, ब्राउन टोफ है और इसके अलावा ब्रान यार्ड वगैरह है। ये क्या है, ग्लूटेन फ्री अनाज है। अच्छा अच्छा। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लोग बाजरा ले लेते हैं, गेहूं ले लेते हैं, यही तो खाते हैं नॉर्मली, और इसके अलावा जो का दलिया ले लेते हैं, 2-3 अनाज तो मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो अनाज पॉजिटिव अनाज नहीं है और ये पॉजिटिव अनाज है। इसमें क्या होगी, एक तो अनपॉलिश्ड है और ये ग्लूटेन फ्री है। अच्छा। यानी ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड जो अपन ग्लूकोज ले रहे हैं बाहर से वो कम करेगा अपनी बॉडी में, और वो लोड यदि कम होता है तो क्या होता है कि अंदर जो ग्लूकोज है ना उसको बॉडी जरूरत पड़ेगी तो उसको पचाना शुरू करेगी। तो अंदर वाला ग्लूकोज जब यूज हो जाएगा तो क्या होगा, डायबिटीज में हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। वरना क्या होता है कि अंदर वाला तो पड़ा रहा और ऊपर से और डाल दिया, फिर मजबूरी ये हो जाती है कि इंसुलिन के डोज बढ़ते हैं, गोलियों के डोज बढ़ते बढ़ते इंसुलिन पे आते हैं, इंसुलिन के डोज बढ़ते जाते हैं। तो ये जो अनाज है इसको यूज प्रत्येक इंसान को करना चाहिए। ये हर जगह मिलता है, ऐसी बात नहीं, आजकल सारी चीजों में है, और किसी को जरूरत है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे लोग इनको जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट आते हैं उन सबको यूज करवाते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए हमें, अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो इससे कैसे बचे, जो हमें डायबिटीज ना, बहुत तगड़ी बीमारी है, महामारी की तरह फैल रही है। देखो ये क्यों होती है, डायबिटीज से बचने के लिए हमें इंसान को नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा जी। और इंसान अपनी प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो रहा आज के दिन, और प्रकृति से इंसान जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसमें विकृति आए बगैर रहती नहीं है। सही बात है। डायबिटीज का मेन अपन जड़ पे जाएं तो स्ट्रेस आज के दिन बहुत बड़ा कारण है, और स्ट्रेस हर इंसान को है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए इंसान को प्राकृतिक चिकित्सा और इन चीजों के लिए आना पड़ेगा जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लाइफ स्टाइल अपना खराब हो गया है, टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे पचाना नहीं है और शुद्ध खाना नहीं है। खाना तो 2-3 चीजों पे ध्यान फोकस करना पड़ेगा। एक तो शुद्ध खान पीन की तरफ लौटना पड़ेगा, दूसरा इंसान का वर्कआउट बहुत ज्यादा कम हो गया आज के दिन, मतलब एक्सरसाइज तो जीरो है। कुछ होती है तो लोग बीमार होने के बाद ही शुरू करते हैं, पहले तो बहुत कम करते हैं। पहले क्या होता था, हर इंसान को पसीना नेचुरली निकलता था, हार्ड वर्कआउट होता था। हार्ड वर्कआउट होगा तो अंदर का जितना ग्लूकोज है उसको बॉडी अपने आप पचा लेगी। आज के दिन ये है कि एक्सेस ग्लूकोज तो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं अपन,
हर इसमें आप देखो ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी लेके आओ प्रोसेस्ड खाना बहुत ज्यादा हो गया। प्रोसेस्ड खाने की बजाय अपने को नेचुरल खाने पे आना पड़ेगा, जिसमें नेचुरल खाने का मतलब ये होता है कि उसमें कच्चा भी हो, उसमें उबला भी हो और उसमें पका भी हो, सारा सब कुछ ये होगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज में हम पेट पे ठंडा गर्म सेक करते हैं जी, ये और क्या पेट है? की पट्टी है ये मिट्टी की पट्टी अच्छा, है अच्छा। जिसको हम क्या करते हैं इस तरह से, आप देखेंगे नॉर्मली इस तरह से इंसान को नेचुरोपैथी में हम पेट पे लगा देते हैं, और इस तरह से जब पट्टी लग जाती है पेट पे जी, और इसको लगभग आधे से एक घंटा रखते हैं। अच्छा, आधे से एक घंटा रखेंगे तो अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो हमारे लीवर पेनक्रिया जो भी है ना, पेनक्रिया की जो भी बीटा सेल्स हैं उन सबको एक्टिव करने के लिए हम ये ऊपर ठंडी पट्टी डाल रहे हैं। अच्छा, तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ की बीटा सेल्स एक्टिव होंगी और पेनक्रिया धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता। तो ये नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है। इस तरह से पट्टी अपन घर पे भी बना के लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम 10 डेज की प्रक्रिया में तो खैर करते ही करते हैं चीज़ों को। इसके अलावा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस तरह से दो कपड़े लेते हैं, एक ठंडे पानी में भिगोते हैं तौलिया लेते हैं जी, ठीक है, और एक ये गर्म पानी की थैली होती है अच्छा, जो हॉट वाटर किटल आजकल मिलती है जी, जी। और फिर क्या करते हैं, जैसे ये एक घंटे की प्रक्रिया हो गई जी, जी। इसके बाद में पेन क्रिया को एक्टिव करने के लिए जी, जी। 3 मिनट ठंडा ठंडा से इस तरह से रख दी, 2-3 मिनट वेट किया जी, जी। इसके बाद में 1 मिनट के लिए गर्म, फिर 3 मिनट ठंडा, फिर 1 मिनट गर्म। ये नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है। इससे क्या होगा, जो पेनक्रिया है हमारा जी, उसकी जो बीटा सेल्स हैं, जो उसकी सेल्स हैं वो फैलेंगी, मांसपेशियां फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, तो क्या होगा उनमें ब्लड फ्लो चालू हो जाता है जी, और वो पेनक्रिया वापस एक्टिव होके काम करने लग जाता है। आजकल टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप की डायबिटीज होने लग गई, जिसमें लोग कहते हैं इलाज होता ही नहीं है, इलाज होता ही नहीं है। इसमें जब बीमारी को 3-4 तरीके से घेरा जाता है जी सर, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर जी नेचुरोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट है, जिनमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता है जी, जी। किसी को पता नहीं है तो क्या होता है कि 10 डेज की प्रक्रिया में हम सिखा देते हैं यहाँ कि भाई आपको घर पे जाके ये करना है, एक बार के लिए आप यहाँ आ जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट लें, डिटॉक्स कर देंगे, बॉडी को शोधन कर देंगे, उसके बाद में इंसान ये ठंडा गर्म और ये चीजें बिना पैसे की चीजें हैं ये घर पे कर सकता आराम से जी। और क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत अपन करते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, पता भी रहता है इतना जरूरत है, क्योंकि हर की बॉडी मैंने बताया ना अलग अलग प्रभावकारी है जी, जी। तो डाइट अपन ने चेंज कर दी, डाइट में खाना है, ऐसी बात नहीं कि भूखा ही रहना है, खाना है लेकिन अपने अनुकूल खाना है। इसके बाद में नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट ये चीजें हो गई तो लाइफ स्टाइल चेंज होते ही डायबिटीज अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाती है। हाँ, टाइम जरूर लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हर की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है, हो सकता है किसी को 6 महीने भी लग जाए, किसी के 1 महीने में भी वापस रिवर्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एज फैक्टर भी बहुत बड़ा इसमें काम करता है। तो दो चीजें हैं जिनको डायबिटीज हो गया है वो बिना किसी देरी किए हुए नेचुरल थेरेपी जो है उसके अंतर्गत आए, जिसमें 3 ही काम होते हैं, डाइट भी होती है, वर्कआउट भी होता है और थेरेपी भी होती है जी। और जिसको नहीं होना है उसके लिए भी इंसान को वर्कआउट तो शुरू करना पड़ेगा और अपने अनुकूल टाइम टू टाइम, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है तो गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो गाड़ी खराब थोड़ी होती है, लेकिन उसकी सर्विस अपने इसलिए करवाते हैं खराब ना हो और उसकी लाइफ लंबी चले जी, जी। स्मूथ चले वो, और जो कुछ प्रॉब्लम हो वो अपने आप ठीक हो जाती है सर्विस के टाइम पे, जहाँ कमी अपने को दिखती है। सेम बॉडी के ऊपर भी यही लागू होता है कि जब आप मिट्टी की चिकित्सा लेते हो, आप जल की चिकित्सा लेते हो, आप प्राण की चिकित्सा लेते हो, आप ये पंचकर्म आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हो, आप आहार चिकित्सा लेते हो, तो क्या होता है कि धीरे धीरे सारे रोग अपने आप भाग जाते हैं और इंसान को लौटना पड़ेगा प्रकृति और इन सब चीजों के बीच में। सही बात है, वरना कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा होगा प्राण की कितनी बड़ी कीमत थी, सांसों की कितनी बड़ी कीमत थी। सही बात है, और जो पैसे देके भी खरीदी नहीं जा रही थी, हमने ऐसे देखे जो शहरवासी थे ना किराए पे अगर गांव में रहे हैं जी। तो गांव शहर से बुरे नहीं है, गांव हमेशा शहर से उन्नत थे, उन्नत रहे और खेत खलियान उन्नत हैं और आगे भी रहेंगे। और ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं डालते, हमारा ये बाजरा खड़ा है, नेचुरल खड़ा है, और सब्जियां हम यहाँ पे यूज में लेते हैं तो हमारे खेतों की उगी हुई सब्जियां ही नॉर्मली यूज आती है। तो क्या है कि
खेत खलियानों के बीच में बिना किसी जहर के एनवायरनमेंट के बीच में हम जितना रहेंगे और जितना इन चीज़ों को यूज करेंगे, किसानों से भी हम लेंगे, इसके अलावा हम डायरेक्ट जाके भी यूज करेंगे, उतना ही अपनी बॉडी को बेनिफिट होगा। अच्छा सर, ये जो आपका प्रोडक्ट है, अगर कोई लेना चाहता है तो ये कहाँ से आपसे मिलेगा या कैसे मिलता है? ये है कि डायबिटीज का अनाज वगैरह एक बार प्रॉपर पूरी गाइडेंस देखे कि किसको कितना खाना है, क्या खाना है, क्योंकि इसके रूल है अलग अलग खाने के। मोटापे में अलग टाइप से खाया जाता है, डायबिटीज में अलग टाइप से खाया जाएगा, किसी को दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है उसमें अलग तरीके से खाया जाता है। जैसे किसी अनाज को 2 दिन खाना है, किसी अनाज को 1 दिन खाना है, कैसा खाना है, तो वो सारी प्रक्रिया हम बताते हैं। वो बताने के बाद में आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट देंगे कि इतने बजे ये खाना है, उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। वरना तो क्या, 2 दिन खा लिया, 1 दिन नहीं खाया, उसका यूज नहीं होता इतना और कोई ना बेनिफिट होता है। तो वो संपर्क हमसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संपर्क करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर है 9462336878। जी सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और इतना कीमती अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।